44 लगाया गया, क्या हालत है, क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने भी उसको विरोध जताया है। एक तर आरेखवालीचा लढा जो आहे तो अनेक दिवसांपासून चाललेला आहे आणि मुंबई असेल किंवा महाराष्ट्रातल्या अन्य शहरांमध्ये सुद्धा एका बाजूला लोकांच्या जगण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण बघतोय की अतिवृष्टी किंवा महापूर हे सगळे हवामान बदल तापमान बदलाचे सगळे परिणाम आहेत। अशा वेळेला वृक्ष संवर्धन आपण करायला पाहिजे। काल कोर्टाचा निर्णय झाल्यावरती ती कोर्ट ऑर्डर जोपर्यंत वेबसाईटवर टाकलेत नाही आहे त्याच्या आतमध्येच एका रात्रीमध्ये असे झाडं तोडून टाकणं म्हणजे खरोखर एक तुर्कमान गेट दिल्लीमध्ये जसं झालं होतं की एका रात्रीमध्ये अनेक लोकांना निराधार करून टाकलं होतं तसं या संपूर्णपणे झाडांना निराधार केलं आहे। शिवसेनेचे युवा नेते आदित्यजी ठाकरे यांनी हे स्पष्ट केलेलं आहे की जणू काही पाकव्याप्त काश्मीरवर हल्ला व्हावा अशा पद्धतीने कोरेगावमध्ये झाडांची कपात झाडांची छाटणी एका रात्रीत करण्यात आलेली आहे। आमच्या शिवसेनेच्या प्रियंका चतुर्वेदी शीतल म्हात्रे आणि अनेक स्थानिक कार्यकर्ते आंदोलनात उतरलेले आहेत परंतु सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत या ज्यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत त्यांच्या याचिका उच्च न्यायालयात जरी फेटाळल्या गेल्या असल्या तरी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्या याचिकांना मुदत मिळून त्यांनी त्याच्यासाठी म्हणून आवाज उठवण्यासाठी तरी वेळ नक्कीच उच्च न्यायालयाने दिला असता त्याच्या आतमध्येच सरकारने हे पाऊल उचललेलं आहे। सरकारकडे तशी जर का ऑर्डर असेल की कुठल्याही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जायचा लोकांचा अधिकार अमान्य करून झाडं कापून टाकावी तर मग त्यांनी ती ऑर्डर दाखवावी आणि म्हणून ज्या प्रकारे ही सगळी वृक्षांची कत्तल चालली आहे ती अगदीच अयोग्य आहे असं आम्हाला वाटतं। आपने जो सवाल पूछा है आर्य के बारे में तो पूरे हिंदुस्तान में आपको सबको पता है कि नरेंद्र जी मोदी सर हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरे दुनिया में जाके ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण को संतुलन रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए इस पर अपने हिंदुस्तान में बहुत कुछ कदम उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई हाईकोर्ट निर्णय देता है तब सुप्रीम कोर्ट का तक जाकर उसमें अपना कहना वहाँ तक पहुँचाने का हक हर एक पीआईएल वालों को है, हर एक कोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों को है। लेकिन वो जो नतीजा आया हायर कोर्ट का वो उच्च न्यायालय का नतीजा पढ़ने के पहले ही एक रात में वो सब जो है पेड़ उनको काट दिया है तो ये बहुत ही गंभीर कदम है। शिवसेना युवा नेता आदित्य जी ठाकरे उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि पाक का व्याप्त कश्मीर में और जिस तरीके से हमला होता है उसी तरीके से एक रात में इन पेड़ को काटा है। शिवसेना के हमारी नेता प्रियंका चतुर्वेदी अरेस्ट हो चुकी हैं, शीतल म्हात्रे और कई वहाँ के स्थानीय लोग सामाजिक संगठनों के साथ में आंदोलन कर रहे हैं। हमारी तो ये अपेक्षा है कि उच्च न्यायालय इसके बारे में सरकार को ज़रूर सवाल पूछे कि जब तक उसका आदेश जो है याचिका खारिज की लेकिन याचिका करते कभी भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं तो इस बात के लिए मुझे लगता है कि सरकार को फिर एक बार सोचना बहुत जरूरी है। मैम कहीं ना कहीं ऑपोजिशन